कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी खेल रहा है आपके उसके बहुत अनोखे जानवर है, जगह भी बहुत अनोखी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीर द पेपी कैंप। तो आज आ चुका है एक और नया दिन, एक और नई सुबह आ चुकी है। तो अभी मैं नहा के आ गया हूँ, तो अभी पापा नहाने गए हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं जा रहा हूँ बर्ड पार्क। ये चंडीगढ़ में नया बर्ड पार्क खुला है, बिल्कुल न्यू, आपको बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको भी लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स हम बर्ड पार्क पहुँच चुके हैं, पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग तरीके के बर्ड्स देखेंगे, बहुत अलग बर्ड्स है और बिल्कुल खुली, मज़ा आता है देखने में। खुली होती है तो आप बहुत पास से भी देख सकते हो, अगर पिंजरे में होते तो ठीक से दिखता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल खुली आपको पास से दिख सकती हो। और ये ना मेरे को बर्ड्स की आवाज़ बहुत आ रही है, बहुत मीठी मीठी आवाज़ गा रहे हैं। तो ये 10 o'clock को ओपन होता है, तो अभी हम टाइम से पहुँच गए, ओपन होने वाले 10 minutes में। फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे देखो कितना सुंदर बनाया है, स्वांस बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये हमारी एंट्री होगी, ऊपर देखो कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं बर्ड्स। आप भी आना चंडीगढ़ और आप भी बर्ड पार्क देखना है, बर्ड पार्क बहुत सुंदर है। ओ वाह, ये देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ कौन सा बर्ड है। तो ये बोर्ड है बर्ड का, ये है द बर्ड जरी जैर, पता नहीं क्या है, लेकिन ये देखो यहाँ पे बर्ड्स है। थोड़ी नीचे आएंगे दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, बजी है इन बर्ड्स का नाम, बजी एंड बर्ड्स का नाम। फ्रेंड्स यहाँ पे लव बर्ड है और ये देखिए लव बर्ड, ये है, देखो कितनी प्यारी है लव बर्ड्स, छोटी सी है हाँ, और इनका पूरा ना वो बना हुआ है हाँ, ग्रीनरी, उनका पूरा घर टाइप बना हुआ है। वो देखो ऊपर, देखो वो देखो ऊपर बैठे हुए, वो अपने पेड़ पे बैठे हुए हैं। इनके घोंसले भी बनाए जाते हैं, वो रहते हैं अंदर घुस के। फ्रेंड यहाँ पे एक्वाटिक बर्ड्स आ गई और ये शायद मेरे को लगता है खुली है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पिंजरा टाइप बना हुआ है जैसे बर्ड्स जा नहीं सकते, और हम ये खुली दी हुई है, घूम सकती है अपना। ये देखिए यहाँ पे ये चेने लगी हुई है, यहाँ से बर्ड जा नहीं सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग चेन्स है। फ्रेंड यहाँ पे स्वान है और मेरे को स्वान भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे स्वान है। फ्रेंड्स हम टाइम से पहुंचे थे, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो मैंने मास्क उतार लिया। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा एनिमल है, सॉरी बर्ड। फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे वुड डक है, ये देखिए, पहले वहाँ पे भी और डक्स है, वो दूर है दिख नहीं रही है, लेकिन ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी डक्स घूम रही है, एक्वाटिक एनिमल। फ्रेंड्स ये देखो ये पास से दिख रही है, एक वहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये ना दूर से छोटी लगती है, पास से बड़ी डक्स है। ब्राउनी और रेडी, ब्लैकी, ब्राउनी और रेडी, ये प्यारे लग रहे हैं। नहीं हाँ। ये वो अपना कुछ पंख सा कर रहा है, कितने सुंदर है। देखो छोटा सा उनका घर है हाँ, सामने छोटा सा घर है, वहाँ पे सामने छोटा सा घर है हाँ। और वो देखो उनके लिए वहाँ पे ना वो रखे हुए हैं, उनकी सीड्स रखी हुई हैं खाने के लिए, फीड करने के लिए बनाई हाँ। अगर उनको धूप लगे तो हट के अंदर जाते हाँ। बहुत अनोखे जानवर है और जगह भी बहुत अनोखी है। यहाँ पे अभी हमें और भी इंटरेस्टिंग बर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शीशे का भी पुल सा बना हुआ है, तो फ्रेंड्स अभी आपने यहाँ पे देखा था एक्वेटिक एविरी जिसमें एक्वेटिक बर्ड्स थे। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे हैं टेरेस्ट्रियल एविरी में जिसमें जो बर्ड्स लैंड पे रहते। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ये आगे है। ये कौन सा बर्ड है मैं आपको देख के बताता हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए ये भी अपना खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे अपना जो खाना खाते हैं। देखिए कितने सुंदर है, रंग बिरंगे। फ्रेंड्स ये देखो वहाँ पे कितने मेरे करीब एक फीजेंट बैठा हुआ है और ये घास खा रहे हैं। वहाँ पे और फीजेंट बैठे हुए हैं। वाह कितने सुंदर है, मैं तो मन कर रहा हूँ यहाँ पे जाके इसको छू लूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे कितना कलरफुल फीजेंट है, आप देख सकते हैं बहुत कलरफुल फीजेंट दिख रहा है हमें। यहाँ पे ग्रीन विंग मकाओ और ब्लू गोल्ड मकाओ है वहाँ पे है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो वहाँ पे एक बिल्कुल साफ से दिख रहा है, दो ग्रीन विंग मकाओ है रेड कलर में और एक वहाँ पे मेरे को ब्लू गोल्ड मकाओ दिख रहा है। रेड वाले भी कितने सुंदर हैं, रेड वाले भी ब्लू वाले भी। और ये देखो ये ऑरेंज और हाँ ऑरेंज हाँ येलोइश सी बर्ड्स। ये देखो भैया भी बैठे हैं उनको दे रहे हैं ना खाना दे रहे हैं उनको तो बैठे हैं। कम आजा यार, यू आर माय फ्रेंड। आजा लो खाओ, आजा। उसको जब तक कुछ लालच नहीं होगा तब तक कैसे आएगा आपके पास? बुलाओ उसे, बुलाओ। अब आप यहाँ रहो, हाँ बस कुछ करो, बस बुलाओ। कितना बढ़िया सीन आ रहा है, देखो फैंटास्टिक। डरो मत, नहीं डरो मत, डरो कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। ये देखो कुछ नहीं कर रहा जब आपसे प्यार कर रहा है, खेल रहा है आपके उसके साथ। खेलने दो आप हाथ रखो उसके ऊपर, हल्का सा हाथ रखो आप, हाथ से प्यार करो, ऐसे से हाथ सहलाओ दूसरे हाथ से। बेटा कुछ नहीं करेगा, नहीं कुछ नहीं करेगा। सुपर देखो, वाह आई गया आखिर कार आपको, कुछ नहीं करेगा, आपसे दोस्त हो गया आपका। सीधा खड़ा हुआ, आप सीधा स्ट्रेट करो, वेरी गुड सीधा। ये देखो मेरे, ये देखो यहाँ पे आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कुछ नहीं कह रहा, सीधा करे रहो से, कुछ नहीं कह रहा बेटा। इसको नीचे उतार दो, मुझे थोड़ा दर्द सी हो रही है। तो फ्रेंड्स ये आ गया था, ये एग्जिट आ गया। यहाँ पे कैंटीन है, आपको भूख लगे तो कैंटीन से कुछ खा सकते हो। अभी हम अभी होटल से नाश्ता करके आए तो अभी हम कुछ नहीं खाए। तो ये जो है पूरा बर्ड पार्क चंडीगढ़ का, ये इनॉग्रेटेड 16 नवंबर 2021 को इनॉग्रेट हुआ है। बहुत अमेजिंग है, आप भी आइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को बहुत मज़ा आया, पंछी मेरे हाथ पे बैठ गया था, बहुत मज़ा आया। लेकिन मेरे को जब बैठा था ना उसमें थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं काट ना दे। मैं तो चाहते थे बैठे लेकिन बैठ ही ना, तो फिर बैठ गया वो। और फिर जो एक्सपीरियंस था ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप भी आइए चंडीगढ़ और ये बर्ड सेंचुरी घूमना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं ये पे व्लॉग एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।